हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम राहुल, कम बैक। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और हर दिन कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिले। और मेरे साथ आज मेरी स्टूडेंट हैं जो कि अपनी कार चला रही हैं, और उन्होंने आज कितना टाइम हो गया अपनी कार चलाते हुए, कितने दिन उन्होंने मेरे पास ट्रेनिंग ली है और आज वो क्या करने वाली हैं, तो उनसे बात कर लेते हैं। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? देशिका। कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करते हुए? 11 डेज। ओके, कौन सी कार चला रही है? इकोस्पोर्ट डीजल। पेट्रोल डीजल में फर्क होता है, पेट्रोल गाड़ी का इंजन थोड़ा कम पावरफुल, डीजल गाड़ी का थोड़ा ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इस गाड़ी की लंबाई 15 फीट है, चौड़ाई 8.5 फीट है। जहाँ बैठे हो यहाँ से लगभग 7.5 फीट इसका आगे बोनट है और 7.5 फीट लगभग पीछे है, काफी लंबी, पीछे 1 फीट तो स्टेपनी निकली है इसकी। तो इस कार को आप कितनी देर से चला रही हैं? आधे घंटे से। और अभी तक आपने क्या क्या इसमें सीखा है? बढ़ाना, रिवर्स करना। कौन से गियर में? और कौन सा गियर डाला? थर्ड भी तो डाला था, भूल गई। अच्छा, तो चलो ये हो गया। अभी आज मैं आपको पार्किंग करना बताता हूँ इसमें, कि कार को, खड़ी गाड़ी को कैसे पार्क करना है। जैसे सपोज करो आगे रास्ता ब्लॉक है ना, तो अभी यहीं से आपको इसको रन टर्न करना है राइट साइड। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, पहले स्टेयरिंग काटो पूरी। अब देखो, पहले राइट में ज़्यादा जगह है या लेफ्ट में ज़्यादा जगह है, किस साइड ज़्यादा जगह है? राइट में ज़्यादा स्पेस है या लेफ्ट में? दोनों साइड बराबर ही है लगभग। तो हमें करना क्या है, इसको बैक करना। तो इससे पहले, सबसे पहले आप राइट की तरफ स्टीयरिंग टर्न करो और स्टीयरिंग घुमाते टाइम ये देखो कितने राउंड जा रहे हैं, 1.5, डेढ़ राउंड हो गए। अब पता कैसे चलेगा कि डेढ़ राउंड काटे? सीधी करो, आधा राउंड सीधा करो, ये आधा राउंड सीधा हुआ है, अब पूरा एक राउंड और, ये सीधी हो गई। अब वापस काट दो पूरी, ये एक राउंड हुआ और ये आधा राउंड, डेढ़ राउंड में पूरी स्टीयरिंग कट गई। अभी गाड़ी आप बैक गियर डाल के जाओगे तो आपका जो पिछला हिस्सा है वो राइट साइड जाएगा। किधर जाएगा? राइट साइड। तो अभी बैक गियर डालो आप, कार के अंदर बैठ के और बैक साइड का अंदाज़ा लेना, टायरों का अंदाज़ा लेना बड़ा टफ होता है। कैमरा ऑन हो गया। अभी जैसे ही आप क्लच छोड़ोगे गाड़ी राइट की तरफ मूव करने लगेगी। चलो, पहले हाफ क्लच छोड़ना हो, ब्रेक पे पैर रख के रहना, फुल क्लच नहीं छोड़ना, सिर्फ हाफ क्लच जाने दो, एकदम धीरे धीरे, जीरो की स्पीड में, जीरो। कुछ लोग कहते हैं कि गाड़ी भागती भागती क्यों है, क्योंकि जब हम क्लच ज़्यादा छोड़ते हैं, अगर क्लच कम छोड़ेंगे तो गाड़ी भागेगी? नहीं भागेगी। कैमरे में देखो और मिरर देखो, धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे। निशिका, क्लच ज़्यादा नहीं छोड़ना है, एकदम धीरे धीरे। गाड़ी आपकी किधर जा रही है? राइट, जाने दो, जाने दो, हाँ, और जाओ, भी बहुत स्पेस है। कैमरे में नज़र आ रहा है, रेड वाली लाइन तक जा सकती हो आप। स्टॉप स्टॉप, अब एकदम से भागना नहीं था, ठीक है, अब एकदम से भागना नहीं था। अब देखो पीछे झाड़ी यहाँ दिख रही है इसमें, है ना, अभी भी आपके पीछे अच्छा खासा स्पेस है। हालांकि बीप की आवाज़ आने लगी, लेकिन अभी भी स्पेस यहाँ तक आप ले जा सकते हो, जो ग्रीन वाली, जाओ थोड़ा सा और जाओ, थोड़ा सा, हाँ, सीधा नहीं, ऐसे जैसे जा रही हो। स्टॉप करो, स्टॉप करो, अभी आपने क्या गलती कर रखी है, ब्रेक दबा रखी हो, क्लच छोड़ रही हो। भाई ब्रेक को रिलीज करो, क्लच को छोड़ो, थोड़ा सा क्लच छोड़ना है ना, ज्यादा नहीं। स्टॉप, बस, ठीक है, अब इसको न्यूट्रल करो, पहला गियर डालो। अब स्टीयरिंग किधर टर्न करोगी? लेफ्ट, पूरी स्टीयरिंग पहले लेफ्ट, कार को बढ़ाने से पहले पूरी स्टीयरिंग को घुमा लेना है फुल। कुछ लोग गलती क्या करते हैं, गाड़ी को गियर में रहने देते हैं और तुरंत स्टीयरिंग नहीं घुमाते और गाड़ी बढ़ा देते हैं। तो कम जगह में गाड़ी घूमेगी, ज्यादा जगह चाहिए, ज्यादा जगह चाहिए। अगर कम जगह में टर्न करना है तो पहले स्टीयरिंग को मूव कर लो। अब जाओ टर्न करो, अभी देखो कट गई गाड़ी आपकी पूरी, एक ही बार में घूम गई, कितना आसान है। सीधी करो, एकदम बीचों बीच में रखो, बीचों बीच में, हाँ, बस। अब यहीं पर फिर आपको स्टॉप करना है, बस, अब वही सेम चीज करना है। रुको, अब न्यूट्रल करो गाड़ी, बैक गियर डालो, अब पूरी राइट काट लो, फिर स्टीयरिंग वापस। अब जाओ धीरे धीरे, फिर जाना है बैक साइड में, एकदम जीरो की स्पीड में। स्टॉप करो गाड़ी, स्पीड मीटर में कोई साइन आ रहा है? आप जाओ पीछे, डीजल गाड़ी है ये,
इसलिए हैंड ब्रेक लगी लगी गाड़ी चल रही थी, अगर ये पेट्रोल गाड़ी होती तो अब तक बंद हो चुकी होती, बहुत धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे जाओ, स्पेस है अभी और जाओ, ये रेड वाली लाइन तक आप जा सकते हो, स्टॉप। बस एक चीज और, ये रेड वाली जो लाइन है लेकिन जो स्टेपनी है वो येलो लाइन तक है, स्टेपनी बाहर निकली हुई है, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी भी अच्छा खासा स्पेस है, ये देखो प्लस दबा के रखना, अभी भी आपकी गाड़ी के पीछे कम से कम 1.5 से 2 फीट का, अभी पीछे आओ थोड़ा सा और, पीछे 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 और जाओ। झटके से क्यों क्लच छोड़ दिया आपने, झटके से क्यों छोड़ा, वापस क्लच दबा के इंजन ऑन करो, ब्रेक क्यों बच्चा छोड़ रही हो, गाड़ी ऐसे गड्ढे में चली जाएगी, ब्रेक थोड़ी छोड़ते हैं ऐसे। चलो अभी थोड़ा सा पीछे जाओ, हल्का सा, हल्का सा ब्रेक दबा रखी, स्टॉप। बस अब देखो स्पेस, अभी भी अच्छा खासा स्पेस है, मान के चलो लगभग 1 फीट के आसपास है, बट इतने में आप टर्न कर सकते हो, ठीक है। अभी स्टीयरिंग किधर घुमानी है, दिक्कत पता है क्या कर रही थी, आप ब्रेक दबाए हुए थे, क्लच छोड़ रही थी, गाड़ी कैसे बढ़ेगी। अभी इसको न्यूट्रल करके फर्स्ट गियर करो, अभी लेफ्ट टर्न कर लो पूरी स्टीयरिंग। चलो अभी जाओ, फिर वापस वहीं पे जाओ, स्टीयरिंग घुमा दे, चलो क्लच छोड़ो, बस धीरे 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 धीरे, देखो एकदम से भागी भागी, ज़्यादा क्लच छोड़ दिया आपने इसलिए भागी, सीधी करो स्टीयरिंग, एकदम सीधा जाओ, हल्का आगे और जाओ, हल्का राइट रखो, राइट, चलो एड़ी अपनी नीचे रोक के रखो, क्लच के अंदर इतना राइट रखो, हल्का राइट और राइट, बस स्टॉप करो, एड़ी अपनी ना नीचे दबा के रखोगे तो क्लच के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है। अभी आपको सीधा सीधा बैक में जाना है, चलो बैक गियर डालो, जाओ सीधा, एकदम सीधा जाना है, पीछे आपके विटारा ब्रीजा भी खड़ी है, ध्यान रखना, ऐसा लग रहा है जिससे बहुत दूर है बट ज़्यादा दूर नहीं, लगभग 100 मीटर की दूरी पे है। फिर आप ब्रेक दबाए थे, क्लच पहले, देखो रुको एक मिनट, गाड़ी रोको बताता हूँ, ब्रेक तब बाद में छोड़ा जाता है जब गाड़ी कभी भी ढलान पे रुक जाती है, ढलान पे अगर चढ़ाई पे गाड़ी रुक गई है तो वहाँ पे ब्रेक आधा क्लच छोड़ने के बाद छोड़ा जाता है, अगर अभी नॉर्मल हो तो पहले आप ब्रेक को पूरा रिलीज करो फिर क्लच छोड़ो। अभी आप क्या कर रहे हो, क्लच ब्रेक दबाए रहे हो, क्लच छोड़ो, गाड़ी घड़ 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 कर रही है, जाओ धीरे से, ब्रेक में पैर रहेगा लेकिन ब्रेक दबेगा नहीं, पावर ब्रेक है ना, डिस्क ब्रेक, एकदम धीरे धीरे, हाँ जाने दो जाने दो, गुड। अब एक काम करना है आपको, रुको, सामने दो रेड लाइन दिख रही है आपको टाइल की, इस बीच में गाड़ी को पार्किंग करना है आपको, दोनों टायर रेड के बीच में, अभी गाड़ी आगे ले जाओ, बताता हूँ कैसे करना है, पहले गियर में करो और वहाँ पे ले जाओ, चलो ये जो रेड वाली लाइन है अभी बढ़ाओ, बताता हूँ क्या करना पड़ेगा, जाओ और जाओ, जाओ लेफ्ट आओ, हल्का सीधा जाओ एकदम, हाँ जाने दो, मैं बताऊँगा क्या करना, जाओ और लास्ट में जाओ, लास्ट में एकदम एंड में जाओ, चलो जाओ धीरे धीरे, और जाओ और जाओ और जाओ और जाओ, स्टॉप, ठीक है, थोड़ा और जाओ, लगभग लगभग 1 फीट और जाओ, बस अब क्या करना है आपको, पहले बैक गियर डालो और पूरी स्टीयरिंग राइट काट लो, खड़ी गाड़ी पूरी स्टीयरिंग फुल राइट काट लो, फुल कट गई, अभी ब्रेक छोड़ो और क्लच छोड़ो, धीरे थोड़ा सा क्लच छोड़ो, राइट वाला मिरर चेक करो, राइट वाला, हाँ जाओ एकदम धीरे धीरे, चावल चावल जानी चाहिए गाड़ी एकदम, बस इससे ज़्यादा तेज़ नहीं, बहुत धीरे धीरे। निशिका क्लच क्यों इतना ज़्यादा छोड़ती हो, हाँ एकदम धीरे धीरे, एकदम धीरे 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 धीरे, हाँ और धीरे धीरे, हाँ जाने दो, तो छोड़ो धीरे से, हाँ बस एकदम धीरे 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 और धीरे धीरे और धीरे, जाने दो, स्टॉप, बस अब स्टीयरिंग सीधा करो, बस अब पहले गियर में करके आगे ले जाओ गाड़ी थोड़ी सी, जाओ एकदम सीधा सीधा, स्टॉप करो, अब जरा मिरर देखो, गाड़ी कहाँ है आपकी, राइट वाला मिरर देखो, राइट वाला टायर कहाँ पे, वाइट लाइन पे है या रेड लाइन पे,
लाइन पे है, वाइट पे है ना। तो चलो अभी बताता हूँ, अभी बैक गियर डालो, अब हल्का राइट काटो स्टीयरिंग, और काटो, और बस जाओ पीछे जाओ, और काटो राइट थोड़ा, और हाँ बस अब सीधी करो स्टीयरिंग, हाँ सीधी करो, बस जाओ पीछे जाओ थोड़ा, जाओ जाने दो स्टॉप, हाँ थोड़ा और जाओ पीछे, और जाओ स्टॉप, बस अब सीधा करो टायर, स्टीयरिंग सीधी करो, राइट, अरे राइट काटो, सीधी नहीं है, और काटो, अब पहले गियर में करो इसको, हल्का राइट दबाओ गाड़ी, बस जाओ आगे, सीधी करो राइट काटो थोड़ा सा, और काटो बेटा आपने काटे ही नहीं, क्यों बढ़ा दी गाड़ी, मैंने 3 बार आपको टोका ना, और काटो राइट, आपने काटा, वहीं के वहीं स्टीयरिंग सीधी है, काटो जल्दी से राइट, हाँ अब जाओ बढ़ाओ धीरे से, हाँ जाने दो, चलो और जाओ स्टॉप करो, बस अब सीधी करो स्टीयरिंग एकदम, बस अब देखो राइट वाला टायर कहाँ है, वाइट पे ही है अभी, आपने गाड़ी दबाई नहीं थोड़ी सी, अभी थोड़ा सा और आगे जाओ हल्का सा, एक ही बार में गाड़ी लग जानी चाहिए, स्टॉप करो, अब राइट काटो, बैक गियर डालो, जाओ पीछे, पहले ब्रेक छोड़ी जाती है, हाँ जाओ पीछे जाओ थोड़ा सा, बस रुको अब लेफ्ट काट दो स्टीयरिंग, बस जाओ पीछे जाओ, जाने दो और जाओ स्टॉप, आप ज़्यादा क्लच क्यों छोड़ देती हो, क्लच क्यों इतना ज़्यादा छोड़ती, गाड़ी एकदम से भाग जाती है, क्लच को दबाए रहा करो, पूरी ताकत से उसको रोके रहा करो, उसको ऊपर मत आने दिया करो, अभी स्टीयरिंग सीधा करो, हाँ बस अब देखो गाड़ी कहाँ जाएगी, अब पीछे जाओ हल्का सा, गाड़ी सीधी है टेढ़ी है, टेढ़ी खड़ी है, ये देखो मेरा वाला हिस्सा इधर भाग रहा है, अब इसको पहले गियर में करो, अब हल्का सा लेफ्ट आओ, चलो जाओ पहले गाड़ी बढ़ाओ तो पता चलेगा स्टीयरिंग का डायरेक्शन, हल्का सा बढ़ाओ, हाँ लेफ्ट आओ, लेफ्ट लेफ्ट, और बस स्टॉप करो, अब सीधी करो स्टीयरिंग, ये सीधी, अब बैक गियर डालो, अब गाड़ी तुम्हारी सीधी हो पाई है, समझ रही हो, अभी गाड़ी टेढ़ी थी, अब पूरी सीधी हुई है गाड़ी, बैक गियर डालो, जाओ अब देखो एकदम सीधी है, दिख रहा है कैमरे में, दोनों व्हाइट रेड लाइन के बीच में आपकी गाड़ी खड़ी है, अभी जाओ पीछे जाओ थोड़ा सा, एकदम सीधा सीधा, कहीं मुड़ना उड़ना नहीं है, जाने दो धीरे धीरे, और जाओ येलो लाइन तक जाओ, येलो लाइन तक, हाँ और जाओ धीरे धीरे, और जाओ थोड़ा, स्टॉप, बस हाँ ठीक है, अभी क्या लग रहा है आपको, अभी भी स्पेस है, ठीक है, अब इसको न्यूट्रल करो गाड़ी को, ठीक है, और बंद कर दो इंजन, देखो अभी भी कितना स्पेस है, आओ उतर के देखो, आके हैंड ब्रेक। सो गाइस आप देख सकते हैं ये दोनों टायर जो हैं, ये जो रेड लाइन है इसके बीच में ये है, इस तरीके से आप देखेंगे है कितना स्पेस है, देखो लेफ्ट और राइट में दोनों तरफ इतना स्पेस है दोनों साइड। अब चलो अब अकेले लगाना है आपको, मैं उतर गया हूँ, जाओ ले जाओ, मैं तो कुछ बताऊँगा नहीं, देखो पीछे कितना स्पेस है, येलो लाइन में कैमरे में क्या लग रहा था कि गाड़ी टकरा जाएगी, पर ऐसा क्या है, देखो कितना स्पेस है, ये देखो, हाँ स्टेपनी 1 फीट बाहर निकली हुई लगभग, लेकिन फिर भी चलो अब एक बार शीशे खोलो इसके, अब अकेले लगा लोगी, क्यों खड़े हो, 1 मिनट इधर, चलो इंजन ऑन करो,
सो गाइस, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।